हरे कृष्ण हो गया। ओम ज्ञानतिमिरां दशर ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग श्रवण करेंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति करने के लिए हमें छह चीज को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए कहते वो छह चीज क्या है जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत्ववृत्ति सरभीर भक्ति प्रसिद्धति। ये छह चीज अगर किसको अंदर में आए फिर तो भगवत भक्ति में वो धीरे 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 आगे बढ़ सकता है। इसलिए भक्ति का सबसे पहला गुण है उत्साह। इसलिए हमारे वेद कहता है ना अयम आत्मा बलहीन न लब्ध, मतलब है अगर कोई आत्म तत्व को उपलब्धि करना चाहते हैं जो बलहीन व्यक्ति है उनको द्वारा भजन नहीं हो सकता। इसलिए कहते भक्ति का जो मार्ग है वो कायर का मार्ग नहीं, कायर का मार्ग नहीं, ये मार्ग सूरवीरों का मार्ग है। सूरवीर मतलब जो योद्धा, उनका मार्ग है। उदाहरण देते हैं, जैसे जब कोई लड़ता है युद्ध करता है उसको ऊपर में जितने प्रहार होता है वो पीछे नहीं हटता है बल्कि उसका खून उतना गर्म होता है और युद्ध में उसको उतना आनंद आता है, हैं? उतना आनंद आता है, जितने प्रहार होता है उतना उसको उत्साह आती है। इसलिए और धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। इसलिए जो भक्ति जगत कहती है सूरवीरों का मार्ग, ये किसी कायरों का मार्ग ये नहीं है, कायरों का मार्ग नहीं। इसलिए जिन जिनों ने भक्ति किया सत्ययुग से दिखता हो, सत्ययुग से श्री प्रह्लाद महाराज जब उन्होंने भजन करने के लिए कहे, श्री युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं नारद जी को, बड़ा आश्चर्य की बात है, बेटा भजन करना चाहता है वो कोई गलत रास्ता पर नहीं जा रहा है, भजन का मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन पिता होकर के अपना बेटे को मारने के लिए प्रयास कर रहा है। अगर कोई गलत मार्ग में जाए तो कोई बात, वो तो अच्छे मार्ग में जा रहा था, कोई तो गंदे मार्ग में नहीं, फिर उनको जान से मारने के लिए क्यों कोशिश की गई। इसलिए ये सत्य युग से दिखाई पड़ता है जो भजन करने वाले उसके ऊपर में विपत्ति आती है, लेकिन उनने पीछे नहीं हुए बल्कि उनकी भक्ति में और ज़्यादा उत्साह आई और धीरे 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 आगे बढ़ते गए। और एक दिन भगवान जो गीता में कहते हैं, हे अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणति, हे अर्जुन मेरा भक्तों का विनाश नहीं, और लास्ट में भगवान उसको करके दिखा दिया। जब उन्होंने पूछा तेरे भगवान कहाँ हैं, बोले बताओ मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ ये तो बताओ, बोले क्या ये खंभे में है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे। इसलिए बोले सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, भगवान ने निज भक्त ने जो बता दिया खंभे में है, कहता अपना भक्तों का वाणी को रक्षा करने के लिए
सचमुच से नरसिंह देव प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उनने मुष्टि का घात प्रहार किया तो खंबा फाड़ करके श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए भगवान स्वयं भक्तों को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान को कोई भी खुश नहीं कर पा रहे थे, भगवान को कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, लक्ष्मी आए, लेकिन जब प्रहलाद महाराज आए भगवान का जो क्रोध एकदम शांत हो गया, पानी पानी हो गया। प्रहलाद को गोद में बैठा दिया, जैसे मैया चाटती है ना ऐसे शिशिर उन्होंने चाटने लग गए। बोले प्रहलाद मेरे लिए तेरे को बड़ा कष्ट उठाना, इसलिए मेरे अपराध को माफ कर देना, मेरे को आने में देर हो गई, मेरे को आने में देर हो गई। मतलब भगवान कितने दयालु, कितने कृपाल भगवान हैं। और भगवान ने बोले हमसे वर मांगो। बोले प्रभु इसके चक्कर में मेरे को मत डाला करो, हैं इसके चक्कर में मेरे को मत डाला करो, मेरे को तो आपकी चरण की भक्ति और सेवा दो। बोले दे दूंगा, कोई चिंता नहीं, अपना लिए कुछ मांगो। देखो जो भक्त होता है उनका दिल कितना बड़ा है, कितना बड़ा दिल है। जिस पिता जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश की, जिंदगी भर, लेकिन जब भगवान मांगते हैं मांगो, उन्होंने क्या मांगे? बोले प्रभु मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, संतों को आपको सताया, मेरे पिताजी को उद्धार कर लो, पिताजी को उद्धार कर लो। लेकिन इसी जगह तुम्हें देखना, अगर पिताजी की संपत्ति है, उनको दो बेटे हैं, अगर एक बेटे को थोड़ा कम दे दिया दूसरे बेटे को थोड़ा ज़्यादा दे देगा ना, जब तक वो बच्चा रहेगा ना उसको गाली देते रहेगा। बोलो डुकरा ने मेरे को कम दिया, उसको ज़्यादा दिया है, जिंदगी भर उसको गाली निकालते रहेगा, हैं गाली निकालते रहेगा। लेकिन यहाँ पर भक्तों का हृदय कितने महान दिखाते हैं। जिस पिता मारने के लिए कोशिश की, बोले प्रभु उनको उद्धार कर दो, उनको उद्धार कर दो। भगवान बोले पिताजी का नाम क्यों कह रहे हो? बोले त्रि सप्त भी पिता भूत, उसको तो तीन सात, मतलब उनकी 21 पीढ़ी उधार हो गए, 21 पीढ़ी तुम्हारी उधार हो गई, पिताजी का बात क्यों कहते हो? बोले ठीक है पिताजी को मैं उद्धार कर दूँ, कोई बात नहीं, तेरी 21 पीढ़ी उधार हो जाएंगे। बोले जो उत्तम भक्त होते हैं उनका 21 पीढ़ी, जो मध्यम भक्त होते हैं उनका 14 पीढ़ी, और जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनका 7 पीढ़ी उधार हो जाता है। बोले उधार कर दूंगा, कोई और कुछ मांगो? फिर देखो क्या मांगता है। बोले प्रभु अब देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ये पृथ्वी में जितने जीव है जो दुख कष्ट भोग कर रहे हैं उनका सारे पाप मेरे को दे दो, ये सारे पाप लेकर के मैं करोड़ों काल के लिए नरक में नरक भोग करूं। लेकिन प्रभु ये जीव का उद्धार कर दो, पृथ्वी में जितने जीव है ना सब उनको वैकुंठ में स्थान दे दो। भगवान ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना, मेरा एक ब्रह्मांड नहीं, मेरे तो एक एक लोम कूप में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना, तेरी इच्छा की वजह से मैं एक ब्रह्मांड को पूरा उद्धार कर देता, एक ब्रह्मांड को वैकुंठ भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं है, तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं। मतलब भक्तों का हृदय, इतने महान भक्तों का हृदय होता है, कितना बड़ा होता है, है? इसलिए हम देखते हैं सत्य युग में भी जो भजन किए, सत्य युग को कृत युग कहते हैं। कृत युग मतलब उसी धर्म का जो चार चरण, ये सत्य युग में पूर्ण रूप में धर्म का चार चरण रहता था, लेकिन उसी समय में भी हम देखते हैं भजन करने वालों के ऊपर में विपत्ति आती है। अभी त्रेता युग में आओ, श्री विभीषण को देखो, हैं विभीषण को देखो, वो भी भगवान की भक्ति करता था, लेकिन रावण उसको विद्वेष करता था, रावण उसको विद्वेष करता था। बोले क्या राम राम करते रहते हो, हैं राम राम क्या करते रहते हो, मैं ही सब कुछ हूँ, हैं इसलिए द्वितीय अस्मि एक एक मेवम द्वितीय नास्त में अकेले ही सब कुछ हूँ, जगत में और कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है। लेकिन विभीषण जब भजन करता था उसको रावण ने भी वहाँ से लंका से भगा दिया, उसको है लंका से उसको भगा दिया। इसलिए दिखाई पड़ता है जो त्रेता युग में भी जो भजन करने वाले उनको ऊपर में भी बाधा विपत्ति आई है, है? और द्वापर युग में देखो, द्वापर युग में भी जो भगवान की भजन करते थे उनको ऊपर भी बड़ी बड़ी बाधा विपत्ति आई है, है द्वापर युग में भी। और कलयुग में तो है ही है, कलयुग में
बाधा ही बाधा। हरिदास ठाकुर भजन किया तो उसको जान से मारने के लिए कोशिश की। नित्यानंद प्रभु को सर्प जगाई माता ने फोड़ दिया इनका सर। रामानुज आचार्य को हैं वो चाह रहे थे उनको आँख ही निकाल लेने के लिए, हैं आँख निकालने के लिए। श्री प्रभुपाद जी हैं उनको तो जान से मारने के लिए प्रभुपाद को कोशिश की गई। इसलिए दिखाई पड़ता है सत्य युग से लेकर कलयुग तक जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको ऊपर में भी बाधा आई है, लेकिन जो भजन करने वालों को अपना भजन से कभी वहाँ से चुप्त नहीं होनी चाहिए, अपना भक्ति में एकदम टिकी रहनी चाहिए। इसलिए भक्ति करने का जो पहला जो गुण है बोले उत्साह, बोले दूसरा गुण क्या बोले निश्चयात। निश्चयात मतलब है भगवान हमें जरूर मिलेंगे, ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर में रहनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भजन करते करते आए किसी दूसरे दूसरे बिजनेस में भले ही फेल हो गए, लेकिन भक्ति में कोई फेल नहीं हुआ, भक्ति में कोई फेल नहीं हुए। ध्रुव प्रह्लाद मीराबाई तुलसीदास हनुमान जी सूरदास जी श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी भक्तिमन ठाकुर प्रभुपाद अभी तक भक्ति में कोई फेल नहीं हुए, भक्ति में सबके सब बढ़ते रहे, कोई फेल नहीं हुए। भले दूसरे बिजनेस से कहीं फेल हो सकते हो, इसलिए मीरा कहती हैं दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाय। इसलिए भक्ति में सब बढ़ते रहे, कभी कोई नीचे नहीं उतरे और उनका ही नाम दुनिया में हैं जगमगा रहे हैं, सारा दुनिया उनका ही पूजा कर रहे हैं। इसलिए उत्साह ने सबल धर्जा हाँ ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है, धीरज धारण करनी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु जी से माला लिए बोले गुरुदेव अब कुछ हो ही नहीं रहा है, माला तो काली बन गई, माला जब करते करते काला हो गया, अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। गुरुदेव और कोई मंत्र है आपके पास में हैं, और कोई मंत्र है ना दे दो। नहीं इसलिए गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो कृष्ण मंत्र, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद जी जिन जिनियों के पास में ये मंत्र आया एक दिन ये मंत्र भगवत भगवान तक पहुंचा दिया है, भगवान तक पहुंचा दिया। इसलिए कहते धीरज धारण करना बहुत बड़ी एक चीज़ है। देखो एक समय कोई एक गुरु जी दो चेले को दो आम की गुठली दिया, कथा सुन गुरु जी दो शिष्य को दो आम की गुठली दिया, बोले देख बच्चा अगर ये आम का गुठली को बोओगे ना बड़े सुंदर वृक्ष आएगा, पहले तो एक अंकुर आएगा, फिर दो पत्ते आएगी, फिर टहनी आएगी, अगर घर को सामने उसको बोओगे ना पूरा तुम्हारी घर को छाया देगा और बड़ी सुंदर सुंदर आम आएगा, उसको ठाकुर को भोग लगा कर खा भी सकते हो और उसको बेच करके अपना जीविका निर्वाह कर सकते हो। दो चेले को दो गुठली दे दिया, एक चेले ने आम का गुठली लेकर गया घर को सामने गड्ढा खोद करके वो दिया, मिट्टी ढक करके पानी दे दिया और घड़ी लेकर बैठ गया। गुरु जी ने बोला पहले अंकुर आएगा दो पत्ता आएगा, एक घंटा हो गया लेकिन कुछ नहीं देता, दो घंटा हो गया फिर उसको फिर मिट्टी हटाया बोले कुछ नहीं, फिर ढक दिया, फिर रात भर हैं रात भर ढक करके रात भर घड़ी देख कर बैठा गया, सवेरे फिर खोदा कुछ नहीं, बोलिए गुरुदेव तो मेरे साथ में बेईमानी की हैं, गुठली बो दो अंकुर पेड़ फिर कुछ भी नहीं हुआ, सवेरे गुठली लेकर गया गुरु जी पर दे मार, बोले गुरु जी इसे इतना झूठ बात बता दिया, रात भर मेरी नींद खराब हो गई हैं कुछ भी नहीं हुआ। अभी दूसरे जो चेले को दिया था इसलिए उसको उन्होंने दृढ़ विश्वास पूर्वक लेकर गया हैं, गुरु जी ने जो बताया वो सही बताए, एक दिन जरूर इससे वृक्ष होगा। घर के सामने वो भी गाड़ दिया, सचमुच से उन्होंने देखा 10 दिन बाद में ना सचमुच से उससे अंकुर आया है। अभी गुरु जी के ऊपर में तो बड़ा विश्वास आ गया, गुरु जी सही बता रहे थे। फिर जब 1 महीना हो गया उसमें तो पता आया, ये गुरु जी जो बताए थे सही बताए। फिर जब उसमें 2-3 महीना हो गया छोटा सा पेड़ हो गया, और जो 1 साल हो गया ना देखा सचमुच से थोड़ा पेड़ बड़ा हो गया, और जितने बड़ा होते जा रहा है उसको मन में उतना उत्साह आते जा रहे, गुरुजी ने सही बताया, गुरुजी ने सही बताया। देखते देखते जब 2 साल हो गया ना सचमुच से पेड़ बड़ा हो गया, बड़ा सुंदर वृक्ष हुआ 2 साल में,
जो तीसरी साल आई उसमें सुंदर सुंदर फूल आए और सुंदर सुंदर आम फले और पूरा घर को उसने छाया दी। और जब पहला जब आम जो पक्का पहला आम लेकर के उसने गुरु जी के पास में बोले, गुरु जी आप जो बताए थे सही बताए थे, आपकी जय से बताए एकदम ठीक वैसे हुआ, ये आम लो अब ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद पाना है, भोग लगाकर प्रसाद पाना। और वो आम को उसने खुद खाए और उसको अपना बिजनेस मिल गया, बस माल माला माल। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तीसरा जो गुण धीरज धारण करनी चाहिए, ऐसे नहीं। इसलिए किसने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैंने मेरा कुछ हुआ ही नहीं, बोले बेटा कितना साल से आए, बोले 10 साल हो गया, बोले मेरा 50 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, तो बोले 10 साल से हैं। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, जिस समय कृष्ण अर्जुन को साथ में जा रहे थे, जाते जाते हठात कृष्ण को सब कुछ पता है, कृष्ण ने कहा अर्जुन थोड़ा पानी पिलाओगे, तृष्णा लग रहा है। अर्जुन पानी ढूंढने लगा और देखा पास में यमुना बह रही है। जब अर्जुन वहाँ पर गया देखा एक बड़ी सुंदरी प्यारी बड़ी सुंदरी लड़की बड़ी तेजस्वी वहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रही थी। इतने में अर्जुन ने देखा भैया यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की अकेले बैठ कर तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हो, वह मैं कालिंदी हूँ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो, बोले कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। बोले कब से तपस्या कर रहे हो, बोले कितना ब्रह्मा चले गए, कितने ब्रह्मा चले गए, कितने सालों से हाँ कितने ब्रह्मा चले गए, मैं तब से यहाँ बैठ करके कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। कालिंदी जो स्वयं कृष्ण की 8 सखियों में सखी है, हाँ पटरानी में एक पटरानी, वो कितने ब्रह्मा चले गए तभी बैठ करके कृष्ण को पाने के लिए भजन कर रहे, कितने करोड़ों करोड़ साल चले गए, हम 10 साल 20 साल आकर बोले भाई कुछ हुआ है। गुरुदेव बोलते थे बोले तुम कितना साल से भगवान से बिछुड़े हुए हो, कितने साल से भगवान से तुम बिछुड़े हुए पता है। इसलिए बोले कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर, कब से बिछड़े हुए पता नहीं, गधे कुत्ता सुअर होकर के जन्म जन्मांतर भटक रहे हैं और सारे बुरी काम करते 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 पता नहीं हृदय में इतने जन्म का पाप हृदय में जम गया है। और तुम 10 साल के बोले बोले इसको साफ कर दोगे हैं, अरे इसको घिसना पड़ेगा, इसको घिसो ठीक से। इसलिए महाप्रभु बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, यह जब किया सब करिया निर्बंध, यह सर्व सिद्धि है वे स्वभाग सर्वक्षण बोले तो विधि नहीं है। महाप्रभु बोले मैंने जो तुमको हरिनाम दिया है उसको ठीक से हरिनाम करो, इसी हरिनाम से ही तुम्हें कृष्ण दर्शन मिलेगा। हाँ सर्वक्षण बोलते रहो, उठते बैठते सोते जगते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्धन, तत्तत् कर्म मतलब जो काम करने पर हमारी भक्ति बढ़ेगी, मतलब अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूलस्य विवर्जनम, भक्ति का जो अनुकूल वस्तु ग्रहण करो उसका प्रतिकूल वस्तु को त्याग देते हैं। इसलिए तत्तत् कर्म प्रवर्तन बल संग त्यागा, असत संग से दूर रहो, साधु संग में हर समय साधु संगत में रहा करो हैं। संगत त्यागा तो सत्वृत्ति, सत्वृत्ति मतलब है हमारी संप्रदाय में है जो जो वैष्णव लोग आए हैं, प्रभुपाद गुरुदेव उनका गुरुदेव उनके गुरुदेव हमारे गोस्वामी वर्ग, कितने भक्ति राज्य में जो भक्त लोग आए हैं, क्या करो उनकी पथ का अनुसरण करो, उन लोगों ने कैसे भजन किया कैसे साधन किया कैसे संख्या पूर्वक नाम गान लेते हुई संख्या पूर्वक कैसे नाम करते थे, वैष्णव को उद्देश्य में कैसे प्रणाम करते थे, कैसे भगवान की कीर्तन करते थे, कैसे भगवत स्मरण करते थे, उन लोगों ने जो जो रास्ता को अपनाया वो रास्ता को अपनाते रहो। अगर ये 6 चीज़ अगर करेंगे तो जरूर आपको इसी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगा ठीक है। इसलिए महाप्रभु गोस्वामी कहते हैं ये भक्ति के 6 जो गुण हैं ये भक्ति रास्ता में लेने वाले हैं, इसलिए हमें 6 गुण का अपना जीवन गुजारना चाहिए ठीक है। गीताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि गो हरि गो हरि गो ठीक है महाप्रसाद जी को बंद कर।